अलैकुम। फर्स्ट ईयर का चैप्टर आज हम देख रहे हैं, फर्स्ट तालीम, पहला बाब है हमारा। इस पूरे पेज का जो निचोड़ है, जो रिवीजन के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो ये चार लाइंस हैं। ये यहाँ पे हाईलाइट की हुई है कि तालीम की जितनी ऊपर तारीफ़ें दी गई हैं उनके अंदर ये चार पहलू नुमाया हैं। वो फोर एस्पेक्ट्स कौन से हैं? नंबर वन, सबसे पहले जो आपका स्टूडेंट है, आपने उसके टैलेंट्स को ना सिर्फ जो है वो ब्रिंग आउट करना है, बल्कि ब्रिंग अप भी करना है। दो मीनिंग्स आपने एजुकेशन के पढ़े होंगे, ठीक है, जो एजुकेयर वाला था, कि एक तो बच्चे की सलाहियतों का इजहार, यानी कि जो हिडन टैलेंट्स हैं उनको सामने लेके आना है, और सेकेंडली जो है उन टैलेंट्स को डेवलप करने में, ग्रो करने में बच्चे को मदद देनी है। फिर है आपने अपने स्टूडेंट की शख्सियत की तकमील करनी है। तालीम क्या करती है? बच्चे को इस काबिल बनाती है कि वो अपनी शख्सियत की तकमील मुमकिन बना सके। थर्ड वन है करेक्टर बिल्डिंग है, बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गई। अब बच्चे की करेक्टर बिल्डिंग आपने करनी है, या आप यूँ कह लें कि तालीम जो है वो आपकी करेक्टर बिल्डिंग करती है। और फोर्थ वन है तालीम किसी भी इंसान को इनफरादी और इज्तमाही, यानी इंडिविजुअल और सोशल दोनों लाइव्स में बच्चे को सक्सेसफुल बनाती है, कामयाब जो है वो शहरी की हैसियत से तैयारी करवाती है, उसकी एक सक्सेसफुल सिटीज़न, एक गुड सिटीज़न के तौर पर उसको तैयार करती है। ये तारीफ़ें जो थी ना, ये यहाँ से इन्होंने यहाँ पर वो दी हुई हैं शॉर्ट करके। उसके बाद है जो तालीम की तारीफ हो गई, कि एक जो मुकम्मल जामे तारीफ है वो ये सब के ऊपर अप्लाई होती है, और वो यही है कि इंसान किसी ना किसी जो है हैसियत से अपना किरदार कामयाबी से अदा करने से के काबिल हो जाता है तालीम की मदद से। उसके बाद जो ये वाला पैराग्राफ है, इसमें डेफिनेशंस दी हुई हैं, सोक्रेट्स की है, जॉन डेवी की है, और इस तरह ये डिफरेंट स्कॉलर्स की दी हुई हैं, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट है कि जो सलाहियतें, अभी आपने पढ़ा है कि आपने बच्चे को उन सलाहियतों की नशोनुमा के काबिल बनाना है, वो सलाहियतें कौन सी हैं? वो हैं ये सारी लिस्ट दी हुई है यहाँ पे। जिस्मानी सलाहियतें हैं जहनी, फिक्री और जज्बाती, रूहानी, इंग्लिश में भी साथ ही दी हुई है, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल। ये हो गया, ये मेन पॉइंट्स थे, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ईयर के इस चैप्टर में। उसके बाद यहाँ पे जो है वो अलामा इकबाल की डेफिनेशन दी हुई है कि तालीम को उन्होंने तामीर खुदी और तकमील खुदी का नाम दिया है, जिसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के नाम से भी आपने पढ़ा हुआ है। तो इलामा इकबाल ने जो है वो खुदी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, और जो आपने मैस्लो की थ्योरी में पढ़ा होगा उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि टॉप स्टेज है ह्यूमन बींग का, एक इंसान अपने बेहतरीन मकाम पर जब होता है तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज होता है, और उसी को प्रमोट किया है इलामा इकबाल ने कि तालीम इंसान को जो है वो तामीर खुदी और तकमील खुदी के काबिल बनाती है। उसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन, जिसे तालीम के अनासिर कहा जाता है। ये दो चीज़ें यहाँ पे जो है वो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। जब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा होता है, आपको पता होना चाहिए एलिमेंट्स पूछे जा रहे हैं, फंक्शंस पूछे जा रहे हैं। उर्दू में भी पता होना चाहिए कि अगर कोई अनासिर तालीम कह देता है, कुछ प्रोफेसर जो हैं वो ज़्यादा एजड होते हैं, वो पहले से फ़िलासफ़ी को उर्दू मीडियम में कई बर्स पढ़ा चुके हैं, ठीक है, और अब वो कुछ सालों से इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं। मास्टर्स का मीडियम पहले उर्दू हुआ करता था, मेरा ख्याल है 2015 में कॉलेजेस में भी इंग्लिश कर दिया गया था, 14 में तकरीबन, इसी के आसपास, उससे पहले उर्दू था। तो अगर अनासिर तालीम पूछे जा रहे हैं तो याद रखें, एलिमेंट आपने केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, याद है ना, H2O में क्या एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो वही अनासिर यानी आंसर की जमा। तो जिस तरह पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाप से बनता है, तो तालीम का सिस्टम इन अनासिर के मिलाप से बनता है। वो कौन से हैं? सबसे पहले स्टूडेंट, अब स्टूडेंट सेंटर्ड एनवायरनमेंट है ना, स्टूडेंट का जिक्र हर जगह आपको पहले मिल रहा होता है, तो स्टूडेंट, टीचर, करिकुलम यानी जो प्लान्ड एक्टिविटीज़ हैं आपकी, और चाहे वो करिकुलर हैं या को करिकुलर हैं, और उसके बाद लर्निंग बच्चे की। ये नहीं है कि टीचर, स्टूडेंट और किताबें मौजूद हैं, एक्टिविटीज़ डन हैं तो लर्निंग हो चुकी है, नहीं, लर्निंग होता है परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, ये तब होती है जब टीचिंग होती है। बच्चे का पढ़ना और टीचर का पढ़ाना, बच्चे का सीखना और टीचर का सिखाना, इसके बगैर तालीम मुकम्मल नहीं होती। कि उसके बाद हो गया ये मुआशरा, क्योंकि ये सारे जो सेटअप हैं ये किसी सोसाइटी में होते हैं, एजुकेशन इज़ अ सोशल एक्टिविटी। ये हो गया आपके एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन। उसके बाद हैं स्कोप ऑफ एजुकेशन, इसका मैं बताती हूँ आपको स्कोप ऑफ एजुकेशन का। अक्सर बच्चों को जो है ना वो स्कोप वर्ड ही समझ में नहीं आ रहा होता कि स्कोप, कोई पूछ ले आपसे तो आपने कहना क्या है। अब आप देखिए स्कोप का तर्जमा आपको यहाँ नज़र आ रहा है दायरा अमल। अब जो है वो दायरा क्या होता है, कोई भी सर्कल होता है, तो जब जो है वो कोई किसी चीज़ का दायरा अमल पूछा जा रहा है, असल में वो फील्ड, वो एरिया पूछा जा रहा है जहाँ पे वो अमल करती है चीज़, जहाँ वो काम आती है। तो तालीम का दायरा अमल हो या किसी भी चीज़ का स्कोप पूछा जाए, वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि ये चीज़ कहाँ कहाँ काम आ सकती है। बायो का क्या स्कोप है, मेडिसिन आप पढ़ रहे हैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, या कोई और फील्ड आप पढ़
जाने हैं उसका क्या स्कोप है। तो जहाँ जहाँ वो फील्ड काम आती है, जिस फील्ड में वो नॉलेज काम आता है, वो उसका दायरा अमल होता है, उस दायरे में, उस फील्ड में वो अमल में होती है, काम आती है। तो तालीम का दायरा अमल वैसे तो बहुत वसी है, ठीक है। अब यहाँ पर तो एक ये बात आ जाती है कि तालीम, एजुकेशन, जो आप कोई भी फील्ड में हैं, आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, किसी भी फील्ड में हैं, वो भी तालीम है। एक आ जाता है इल्म तालीम, एजुकोलॉजी। तो अगर तो एजुकोलॉजी का पूछा जाए आपसे कि एजुकोलॉजी का क्या स्कोप है, तो एजुकोलॉजी का स्कोप है आपके पास पॉलिसी डेवलपमेंट से लेके हुकूमती सतह पे करिकुलम डेवलपमेंट तक। पॉलिसीज़ बनती हैं, करिकुलम आपका सारा एजुकोलॉजी के अंडर बनता है, इल्म तालीम के ज़रिए आपको पता चलता है, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, और आपकी फ़िलासफ़ीज़ आपने कौन सी इंक्लूड करनी है, सारा जो आपका एजुकेशनल सिस्टम है वो एजुकोलॉजी पे बेस्ड करता है। बाकी जो तालीम है, किसी भी किस्म की जब तालीम होती है, उसका क्या स्कोप है, आप बायोफिज़िक्स, केमिस्ट्री, एजुकेशन की बुक, कोई भी किताब पढ़ते हैं, इल्म हासिल करते हैं, कहीं से भी सीखते हैं, उसका क्या स्कोप है, वो क्या अमल करती है आपकी लाइफ में, तो वो ये अमल करती है, वो सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में वकूफ़ी तब्दीली लाती है, इमेजिनेशन चेंज होती है, कॉन्सेप्ट्स चेंज होते हैं, कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं बच्चे के। उसके बाद है बच्चे के अंदर जो है वो तासुराती तब्दीली आती है, ठीक है। अफेक्टिव डोमेन आपकी पिछली कॉग्निटिव थी, ये अफेक्टिव डोमेन है। तो तासुराती तब्दीली आती है बच्चे के किरदार में, जो मतलूबा तब्दीलियां हैं वो तालीम से पैदा होती हैं। बच्चा अच्छी चीज़ों को वैल्यू करता है, अच्छे, ये देख लिखा है, अच्छे पहलुओं की तहसीन करता है, कदर कीमत का अंदाज़ा लगाता है और उसको अपने किरदार का हिस्सा बना लेता है। उसके बाद है जो स्किल्स आप सीखते हैं, वो महारती तब्दीली आ जाती है। तालीम आपको ना सिर्फ आपकी सोच को बदलती है, यानी वकूफ़ में तब्दीली आती है। ये वकूफ़ अक्सर बच्चों को याद नहीं होता, बेवकूफ़ पता है ना क्या होता है, हम बेवकूफ़ उसको कहते हैं जो नादान होता है, जिसकी अकल काम नहीं करती। तो वकूफ़ का ताल्लुक आपकी अकल से होता है, इमेजिनेशन से होता है। तो वकूफ़ी तब्दीली, इमेजिनेशन में जो चेंजिंग्स आए हैं, जो कॉन्सेप्ट्स चेंज हुए हैं, तासुराती, जो अच्छा बुरा महसूस किया और उसे किरदार का हिस्सा बनाया, वो तब्दीलियाँ, और महारती, जो आपको हुनर सिखाया है तालीम ने। तो ये तीन तब्दीलियाँ जो आपकी ज़िंदगी में तालीम लाती है। उसके बाद है तालीम के बजाय फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे फर्स्ट ईयर है तो शॉर्ट दिए हुए हैं, ठीक है। उन्होंने तीन जो है वो उसमें टॉपिक्स में उसको क्लासिफाई कर दिए कि एक तो आपने अपने जो आपका विरसा है, कल्चरल सिविलाइजेशन है, उसका तहफ़ुज़ भी करना है, आगे बच्चों को मुंतकिल भी करना है और उसको डिवेलप भी करना है, ठीक है। जो चीज़ संभालोगे वही आगे मुंतकिल करेंगे हम, और उसको हमने डेवलप करते रहना है। और सेकेंडली जो है वो बच्चे की, फ़र्द की बुनियादी ज़रूरियात की तकमील जो है वो तालीम का काम है, फंक्शन है, वजीफ़ा है। जैसे हम कहते हैं ना, किसी मशीन का फंक्शन क्या है, ये करती क्या है, तो ये जो तालीम के वज़ाइफ़ हम पढ़ रहे हैं, तालीम के काम क्या हैं। माशरती ज़िंदगी की तश्कील नौ, सोशल लाइफ की रिकन्स्ट्रक्शन जो है वो उसके काबिल आपको बनाती है। अब कौन सी बुनियादी ज़रूरियात हैं वो भी लिखी हुई हैं, जिस्मानी सेहत है, शहरी के हुकूक़ फ़राइज़, ताबून, दिस एंड दैट, ये सारी लिस्ट जो है वो यहाँ पे, ठीक है, आपके सामने है। उसके बाद है जी माशरती ज़िंदगी की तश्कील नौ, ये भी उसी का थर्ड पॉइंट था कि जमूत तो हमारी ज़िंदगी में तारी होने ही नहीं देना ना, ठीक है। जो वो उसको तो जमूत को तो फिर मौत आ जाती है ना, जब एक चीज़ रुक जाए तो ठहराव मौत होता है। तो आपने जो है वो इस चीज़ को याद रखना है कि सोशल लाइफ को हर वक्त आपने जो है वो ग्रो करने देना होता है। तो तालीम आपको इस काबिल बनाएगी कि आपकी सोशल लाइफ को ग्रो करने के और डेवलप करने के काबिल बनाएगी। उसके बाद आगे हैं, अच्छा ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे थर्ड ईयर की बुक में और सारे दिए हुए हैं फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, जो मकबूल अहमद की थर्ड ईयर की बुक है, तालीम के अहम वज़ाइफ़, यानी उसका फंक्शन, उसका काम, उसका मकसद, उसकी अहमियत, उसका फ़ायदा, सब कुछ यही फंक्शन होता है। तो वो ये हैं, प्रिपरेशन फॉर लाइफ है, काफ़ी सारे दिए हुए यहाँ पे, सेल्फ रियलाइजेशन है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स है, डिसिप्लिन ऑफ योर इंटेलेक्ट है, जब्त दानिश भी बड़ी ज़रूरी होती है, ठीक है, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग है, इस तरह के बहुत सारे काम जो आपकी तालीम के पॉइंट्स आपके जहन में आते हैं, वो सारे तालीम के वज़ाइफ होते हैं। दिस वॉज द क्वेश्चन आस्क्ड इन लास्ट इंटरव्यू, पिछले इंटरव्यूज जो हमें मेल के, उसमें ये क्वेश्चन किया गया था, तालीम के वज़ाइफ कौन से हैं जी। उसके बाद आगे हैं मोड्स ऑफ एजुकेशन। मोड कहते हैं तरीके और असलूब को, उसी की जमा है असालीब। तो मोड्स ऑफ एजुकेशन जो हैं, तीन तरीके हैं बच्चे को पढ़ाने के। या तो फॉर्मल सिस्टम में बिठा देंगे, बाकायदा शेड्यूल होगा, बच्चे को उसे फॉलो करना होगा, स्पेसिफिक जो हैं वो करिकुलम की एक्टिविटीज़ होंगी, और टीचर भी बाउंड होता है, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो इसमें मौजूद होती हैं। अदरवाइज़ आप क्या करते हो, इन्हीं फॉर्मल सेटअप को यूज़ करके प्रिंट मीडिया के ज़रिए बच्चे को पढ़ा देते हो, एग्जामिनेशन या असेसमेंट के लिए फॉर्मल सेटअप यूज़ कर लेते हो, या कोई वर्कशॉप वगैरह अगर करवानी हो। अदरवाइज़ डेली बेसिस पे बच्चा कहीं जाने के लिए बाउंड नहीं है, वो नॉन फॉर्मल आ गया। उसके बाद जो है वो इनफॉर्मल एजुकेशन आपकी आ जाती है, जो बच्चा अपनी सोसाइटी में, लोगों से, अपने घर में सीखता है। तो यही मोड्स हैं, और यहाँ पे एंड हो चुका है आपके इस चैप्टर का, और कल इंशाल्लाह हम सेकंड रिवाइज करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।